नमस्कार, न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। नजर करते हैं समाचारों पर। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही है, वही सभी पार्टियां अपने अपनी योजना और चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। सभी बूथ कार्यकर्ता भी अपने अपने बूथ को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं बीकानेर में लोकसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुराना शहर मंडल के बूथ कार्यकर्ता की बीकानेर शहर अध्यक्ष विजय आचार्य ने बैठक ली और ओजस्वी गीतों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मोदी जी के मिशन इस बार 400 पार हो, ऐसी कार्य योजना बनाई। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर संपर्क की योजना बनाई। पुराना शहर मंडल में विधायक जेठानंद, जिला महामंत्री श्याम चौधरी, नरेश नायक, उपाध्यक्ष गोकुल जोशी और युवा मोर्चा अध्यक्ष वेद व्यास ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मंडल अध्यक्ष कवल आचार्य ने मंच संचालन भी किया। करना ही पड़ेगा हमको, लेकिन हम अगर आपसे बहुत वर्षों पहले अगर हिटलर शासन की बात करें तो हिटलर का हमने सभी ने नाम सुना होगा। उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे उनकी कार्यकारिणी में, उनका नाम था पॉल जोसेफ बोवल्स। उन्होंने बात कही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, वो बात को अंतर्सात करनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि किसी झूठ को अगर आप 100 बार बोलो तो वो सच सी लगने लगती है, और अगर आप किसी सच बात को निरंतर बताना पाओ तो वो भी झूठ सी लगने लगती है। इसलिए जिस परिसर में बैठे राजनीतिक कार्यकर्ता इस बात को, इस गुण को अंगीकार कर ले कि हमको कौन सी बात को रोकना है, कौन सी बात को छोड़ना है। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है,